लॉस्ट होप इसका मतलब है उम्मीद छोड़ देना। लॉस्ट होप मीन्स उम्मीद छोड़ देना। नेक्स्ट है बी सपोज्ड टू मीन्स अनुमति होना या आज्ञा होना। जहाँ पर भी ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं अनुमति होना से रिलेटेड या आज्ञा से रिलेटेड वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बी सपोज्ड टू। नेक्स्ट है ड्यू टू यूज़ करेंगे जैसे किसी की मतलब वजह से बदौलत। जहाँ पर भी ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ड्यू टू। नेक्स्ट है बी बाउंड टू मीन्स होना ही है या होना तय है। वहाँ पर यूज़ करेंगे हम बी बाउंड टू। मतलब आज की हम वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस को रिवाइज करने वाले हैं वो हैं रिलेटेड टू लॉस्ट होप मीन्स उम्मीद छोड़ देना, सपोज्ड टू अनुमति होना या आज्ञा होना, ड्यू टू मीन्स बदौलत या वजह से, और बी बाउंड टू होना ही है या होना तय है। लॉस्ट होप मीन्स उम्मीद छोड़ देना। अभी जो भी हम सेंटेंसेस सीखने वाले हैं वो हैं रिलेटेड टू लॉस्ट होप कि हम लॉस्ट होप कैसे और कहां पर यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मैंने उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, आई लॉस्ट माई होप टू मीट हर नाउ। आई लॉस्ट माई होप टू मीट हर नाउ मीन्स अब मैंने उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। I lost my hope to meet her now. Next sentence है सब उम्मीद हार गए थे लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कैसे बोलेंगे sentence को, All had given up but I didn't lose my hope. All had given up but I didn't lose my hope. Means सब उम्मीद हार गए थे लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। All had given up, but I didn't lose my hope. उसने अच्छा करने की उम्मीद ही छोड़ दी। कैसे बोलेंगे? He lost his hope to get better. He lost his hope to get better. Means उसने अच्छा करने की उम्मीद ही छोड़ दी। He lost his hope to get better. मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखने की उम्मीद ही छोड़ दी। कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, आई लॉस्ट माई होप टू सी हर स्माइलिंग। आई लॉस्ट माई होप टू सी हर स्माइलिंग मीन्स मैंने उसे मुस्कुराता हुए देखने की उम्मीद ही छोड़ दी। आई लॉस्ट माई होप टू सी हर स्माइलिंग। मैंने अपनी आशा खो दी है कि आप अपने जीवन में सफल होंगे। इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, आई हैव लॉस्ट माई होप दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आई हैव लॉस्ट माई होप दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ मीन्स मैंने अपनी आशा खो दी है कि आप अपने जीवन में सफल होंगे। I have lost my hope that you will be successful in your life. अभी जो हमने ये 5 sentences repeat की, ये sentences से related to lost hope means उम्मीद छोड़ देना। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अभी नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हम रिवाइज करने वाले हैं या रिपीट करने वाले हैं वो रिलेटेड टू बी सपोज्ड टू जिसका मतलब है अनुमति होना या फिर आज्ञा होना। बी सपोज्ड टू मीन्स अनुमति होना या फिर आज्ञा होना। जैसे कि तुम्हें कक्षा में मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं है। इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, You are not supposed to use mobile in class. You are not supposed to use mobile in class. Means तुम्हें कक्षा में मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं है। ये सेंटेंस कैसे रिलेटेड टू अनुमति, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे बी supposed to या supposed to. You are not supposed to use mobile in class. मुझे बड़ों से ऊंची आवाज़ में बात करने की अनुमति नहीं है। I am not supposed to talk my elders at the top of my voice. I am not supposed to talk my elders at the top of my voice.
मीन्स मुझे बड़ों से ऊंची आवाज में बात करने की अनुमति नहीं है। आई एम नॉट सपोज्ड टू टॉक माई एल्डर्स एट द टॉप ऑफ माई वॉइस। क्या मुझे यहाँ आपके साथ बैठने की अनुमति है? कैसे बोलेंगे? एम आई सपोज्ड टू सिट हेयर विद यू? एम आई सपोज्ड टू सिट हेयर विद यू मीन्स क्या मुझे यहाँ आपके साथ बैठने की अनुमति है? Am I supposed to sit here with you? मुझे बच्चों के साथ सख्त होने की अनुमति नहीं है। कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? I am not supposed to be strict with children. I am not supposed to be strict with children. Means मुझे बच्चों के साथ सख्त होने की अनुमति नहीं है। I am not supposed to be strict with children. हम सभी को 10 बजे के बाद कक्षा में जाने की अनुमति नहीं है। इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? We all are not supposed to enter the class after 10. We all are not supposed to enter the class after 10. मीन्स हम सभी को 10 बजे के बाद कक्षा में जाने की अनुमति नहीं है। वी ऑल आर नॉट सपोज टू एंटर द क्लास आफ्टर 10। ये जो हमने 5 सेंटेंसेस अभी रिपीट किए, रिवाइज किए, ये इससे रिलेटेड थे। बी सपोज्ड टू मीन्स अनुमति होना या आज्ञा होना। जहाँ पर भी कोई अनुमति या आगे से रिलेटेड सेंटेंसेस आएंगे वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बी सपोज्ड टू। और अभी नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं वो है रिलेटेड टू ड्यू टू। ड्यू टू, ड्यू टू का मीनिंग है बदौलत या वजह से। जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे उसकी बदौलत या उसकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ड्यू टू। देखते हैं फिर सेंटेंसेस में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है अपने धैर्य की बदौलत मैं पैरों पर खड़ा हो पाया। इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? I could stand my own feet due to my patience. Due to means अपने धैर्य की बदौलत। Due to यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। कैसे बोलेंगे? I could stand my own feet due to my patience. Means अपने धैर्य की बदौलत मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। I could stand my own feet due to my patience. नेक्स्ट क्या है? तुम्हारे झूठ की बदौलत वह तुमसे बात करना पसंद नहीं करती है। She doesn't like to talk to you due to your lie. She doesn't like to talk to you due to your lie. Means तुम्हारे झूठ की बदौलत वह तुमसे बात करना पसंद नहीं करती है। She doesn't like to talk to you due to your lie. बारिश के कारण हम अमृतसर नहीं जाएंगे। कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? वी विल नॉट गो टू अमृतसर ड्यू टू रेन। वी विल नॉट गो टू अमृतसर ड्यू टू रेन मीन्स बारिश के कारण हम अमृतसर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो टू अमृतसर ड्यू टू रेन। तुम्हारे भरोसे की बदौलत वह तुम्हारे साथ है। कैसे बोलेंगे? She is with you due to your trust. She is with you due to your trust. Means तुम्हारे भरोसे की बदौलत वह तुम्हारे साथ है। She is with you due to your trust. तुम्हारे प्यार की वजह से मुझे हिचकियाँ आ रही हैं। I am getting hiccups due to your love. I am getting hiccups due to your love. Means तुम्हारे प्यार की वजह से मुझे हिचकियाँ आ रही हैं। I am getting hiccups due to your love. Next जो word है वो है be bound to, जिसका मतलब है होना ही है या फिर होना तय है। जहाँ पर भी ऐसे words आ रहे हैं होना ही है या होना तय है या ऐसा ही होना था वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बी बाउंड टू। तो चलिए फिर कुछ सेंटेंसेस में देखते हैं कि हम इस वर्ड को इनको कैसे यूज़ करते हैं। ये तो होना ही था। कैसे बोलेंगे? इट वॉज बाउंड टू हैपन।
इट वॉज बाउंड टू हैपन, मीन्स ये तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन, जिस तरह से तुम काम करते हो तुम्हारा सफल होना तय है। कैसे बोलेंगे, योर वर्क इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल, योर वर्क इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल, मीन्स जिस तरह से तुम काम करते हो तुम्हारा सफल होना तय है। योर वर्क इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल। तुम बारिश में भीग गए थे, तुम्हारा बीमार पड़ना तो तय था। कैसे बोलेंगे, यू गोट ड्रेंच्ड इन रेन, यू वर बाउंड टू फॉल सिक, यू गोट ड्रेंच्ड इन रेन, यू वर बाउंड टू फॉल सिक, मीन्स तुम बारिश में भीग गए थे, तुम्हारा बीमार पड़ना तो तय था। यू गोट ड्रेंच्ड इन रेन, यू वर बाउंड टू फॉल सिक। सुबह काले बादल छाए हुए थे, तो अभी तो बारिश पड़नी ही थी। हम बोलते ना कि बादल थे तो बारिश तो होनी ही है। इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इट वॉज क्लाउडेड ओवर इन द मॉर्निंग, इट वॉज बाउंड टू रेन, इट वॉज क्लाउडेड ओवर इन द मॉर्निंग, इट वॉज बाउंड टू रेन, मीन्स सुबह काले बादल छाए हुए थे तो अभी तो बारिश पड़नी ही थी। It was clouded over in the morning. It was bound to rain. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।